तो देखो भाई लोगों, पेट्रोल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, 100 के ऊपर पेट्रोल के प्राइसेस जा चुके हैं। इसके अलावा डीजल भी काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन आज के डेट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का दौर है। ऐसे में अगर आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है, आपका बजट कम है, आपको ज्यादा रेंज चाहिए, आपका ट्रैवलिंग ज्यादा है, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी कीमत आपको 8 लाख से लेकर 25 लाख की रेंज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंडिया में 8 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के आसपास भी इलेक्ट्रिक कारें आ जाती है। जो महंगी इलेक्ट्रिक कारें हैं उनके ऊपर मैं किसी और वीडियो के अंदर बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का कम बजट है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया है। जो सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार आती है, जो कि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार थी, वो है हुंडई की कोना। हुंडई कोना के अंदर 39.2 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसकी मदद से ये कार लगभग 452 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। यानी एक सिंगल चार्ज में हुंडई की कोना 450 किलोमीटर तक चलती है। इन रियलिटी रेंज कुछ लोगों को ज्यादा भी मिलती होगी, कम भी मिलती होगी। कार की रेंज और कार का माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हुंडई कोना अलग अलग चार्जिंग ऑप्शन के साथ आ जाती है। अगर आप इस कार को डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज करोगे तो इस कार की बैटरी 0 से 80% चार्ज हो जाएगी सिर्फ 50 मिनट के अंदर। और अगर आप इस कार को एसी चार्जिंग के साथ चार्ज करोगे तो इस कार की बैटरी फुल हो जाएगी सिर्फ 6 घंटे 10 मिनट के अंदर। तो एसी चार्जिंग के साथ हुंडई कोना 6 घंटे का टाइम ले लेती है, लेकिन डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ 50 मिनट का टाइम इसको लगेगा 80% चार्ज होने में। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो हुंडई की कोना 0 से 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेती है 9.7 सेकंड के अंदर। ये काफी तेज भागती है। लेकिन अगर मैं बैटरी वारंटी की बात करूं तो इस कार के ऊपर आपको 8 साल की बैटरी वारंटी का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको 1,60,000 किलोमीटर के ऊपर बैटरी वारंटी का ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये चीजें थी इसके बैटरी के रिलेटेड। लेकिन इस कार का इंटीरियर भी बढ़िया है, इस कार का लुक भी अच्छा खासा है और ये कार 2 वेरिएंट के साथ अवेलेबल है। इसके बेस मॉडल को लेने के लिए आपको 25 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। अगर आपको टॉप मॉडल लेना है हुंडई कोना का तो आपको देने पड़ेंगे 25 लाख 23,000 रुपीज, ये भी ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है, लाइक 25 लाख के आसपास आप खर्च कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप हुंडई कोना को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो इस लिस्ट के अंदर और भी कारें आपके लिए है ही। जो सेकेंड नंबर की कार आती है जो कि आप खरीद सकते हैं, वो है एमजी की ZS EV। एमजी ZS EV भी काफी बेहतरीन कार है। इस कार के अंदर आपको 50.3 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी मदद से इस कार की मोटर 176 पीएस की पावर आउटपुट और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट मिलने वाली है एमजी ZS EV के अंदर, और ये कार एक सिंगल चार्ज में 461 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। इस कार के अंदर भी आपको अलग अलग चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये कार फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और एसी चार्जिंग के साथ इस कार को चार्ज होने में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है एज कम्पेयर टू हुंडई कोना। हुंडई कोना को 6 घंटे लग जाते हैं, वही एमजी ZS EV को 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। एमजी ZS EV के अंदर भी आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर एक्साइट वेरिएंट आता है, इसके अलावा जो टॉप मॉडल उसका नाम है एक्सक्लूसिव। इसके बेस मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 23,72,000 रुपीज से, ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। और इसके टॉप मॉडल की कीमत यानी एक्सक्लूसिव मॉडल की कीमत 27,81,000 रुपीज तक चली जाती है, यानी आपको 25 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। जो थर्ड नंबर की ईवी कार है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है, यानी ये कार इंडिया की मोस्ट सेलिंग ईवी कार है, वो है नेक्सॉन EV। आज के डेट में नेक्सॉन EV को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, यानी इसका सेल काफी ज्यादा होता है। और इस कार के अंदर आपको फीचर्स भी अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे और ये कार 2 अलग वेरिएंट के साथ आ जाती है। रिसेंटली टाटा कंपनी ने इसका लॉन्ग रेंज वाला मॉडल लॉन्च किया था, जिसका नाम है मैक्स। मैक्स मॉडल के अंदर आपको 40.5 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके तहत इसका इलेक्ट्रिक मोटर 143 पीएस की पावर आउटपुट और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन इसका प्रीवियस मॉडल यानी जो प्राइम मॉडल है, उसके अंदर 30.2 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसके तहत इसके इलेक्ट्रिक मोटर 129 पीएस की पावर आउटपुट और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। तो दोनों ही मॉडल के अंदर आपको अलग अलग बैटरी ऑप्शंस मिल जाएंगी और अलग अलग रेंज भी आपको मिलने वाली है। नेक्सॉन EV का मैक्स मॉडल 437 किलोमीटर तक की रेंज देता है एक सिंगल चार्ज में, वही इसका प्राइम वाला मॉडल 312 किलोमीटर तक की रेंज दे देता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपके सामने है। यहाँ पर अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए, ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए, तो आप नेक्सॉन के मैक्स मॉडल के साथ जा सकते हो, जिसके अंदर आपको 40 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 437 किलोमीटर तक की रेंज आराम से मिल जाएगी। चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो नेक्सॉन EV के दोनों ही मॉडल के अंदर आपको अलग अलग चार्जिंग ऑप्शन मिल जाएंगे और दोनों ही मॉडल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के साथ मैक्स मॉडल को 56
मिनट का टाइम लगता है 0 से 80% बैटरी को चार्ज करने में, और इसका प्राइम मॉडल 60 मिनट ले लेता है। तो यहाँ पर आपको कम समय लगने वाला है फास्ट चार्जिंग के साथ, लेकिन एसी चार्जिंग के साथ आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइम मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 14,99,000 रुपीज से और टॉप मॉडल 17,50,000 रुपीज तक चला जाता है। ये एक्सशोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है। वही मैक्स मॉडल की कीमत 18,34,000 रुपीज से शुरू होती है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 20,00,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर प्राइसेस आपके सामने है। और नेक्सन ईवी के अंदर आपको जेट एडिशन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत आपको अच्छा खासा इंटीरियर देखने को मिलने वाला है और एक्सटीरियर लुक भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। नेक्सन ईवी को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, तो ये कार सेफेस्ट भी है और यहाँ पर आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी। तो अगर आपका बजट 15 लाख से लेकर 20 लाख के रेंज में है और आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है, तो आपको डेफिनेटली टाटा नेक्सन ईवी को कंसिडर कर लेना चाहिए। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है वो टाटा की तरफ से ही आती है, वो है टिगोर ईवी। अगर आपको सीडान फॉर्मेट के अंदर इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो टिगोर ईवी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, क्योंकि इस कार के अंदर 26 kWh बैटरी बैकअप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसके तहत ये कार लगभग 306 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। 0 से 80% इसकी बैटरी को चार्ज होने में सिर्फ 65 मिनट का टाइम लगता है, यानी एक घंटे के अंदर इसकी 80% बैटरी चार्ज हो जाएगी फास्ट चार्जिंग के साथ। इस कार का लुक भी बेहतरीन है और इसके इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ टिगोर ईवी आ जाती है, लेकिन इस कार के बैटरी के ऊपर भी आपको 8 साल की वारंटी का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर 1,60,000 किलोमीटर का ऑप्शन आपको इसके बैटरी के ऊपर मिल जाएगा। टाटा कंपनी ने टिगोर ईवी को 4 अलग वेरियंट के साथ लॉन्च किया है और इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 12,49,000 रुपीज से और इसका टॉप मॉडल 13,64,000 रुपीज तक चला जाता है। टिगोर ईवी को खरीदने के पीछे जो सबसे मेन रीजन मुझे लगता है वो है इसका लुक, इसका कंफर्ट, इसके इंटीरियर के फीचर्स, इसकी रेंज, इसके अलावा इसकी रिलायबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके सेफ्टी फीचर्स। इसके पेट्रोल मॉडल को सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, तो यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कार के अंदर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा सामान कैरी करना पड़ता है तो उस केस के अंदर टिगोर ईवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इसके अंदर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा। तो इन चीजों की वजह से आप टिगोर ईवी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं और इस कार की कीमत आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो लास्ट नंबर की कार आती है, जो कि इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल और चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार है, वो है टियागो ईवी। रिसेंटली टाटा कंपनी ने इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और टियागो ईवी के अंदर आपको 24 kWh बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा 19.2 kWh बैटरी बैकअप के साथ भी इस कार को उतारा गया है। इसके 24 kWh बैटरी बैकअप के साथ आपको 315 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी और 19.2 kWh बैटरी बैकअप के साथ 250 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिलने वाली है और 10 to 80% इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी सिर्फ 57 मिनट के अंदर। तो फास्ट चार्जिंग की मदद से इसकी बैटरी काफी तेज चार्ज हो जाती है। 0 to 60 km/h का स्पीड पकड़ने में टियागो ईवी को 5.7 सेकंड का टाइम लगता है और इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। टियागो ईवी के अंदर आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलने वाला है, इसका इंटीरियर भी काफी बेहतरीन है और इस कार का लुक आपको डेफिनेटली अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो टियागो ईवी की कीमत स्टार्ट होती है 8,49,000 रुपीज से और इसका टॉप मॉडल 11,79,000 रुपीज तक चला जाता है। तो टियागो ईवी आज के डेट में इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट चीपेस्ट कार है। इस कार के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और हाँ, इस कार के ऊपर आपको लगभग 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिलने वाला है। तो ये 5 कारें थी जिनको आप पिक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है तो आप टियागो ईवी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख के बीच में है तो आप टिगोर ईवी को खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट 15 लाख से लेकर 20 लाख के रेंज में है तो आप नेक्सन ईवी को आंख बंद कर खरीद सकते हैं। अगर आप 20 लाख के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, लाइक 25 लाख के ऊपर आपका बजट है, तो आप हुंडई कोना या फिर MGZS ईवी, इनमें से एक कार को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। तो इन 5 कारों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। यहाँ पर स्पेशली मैं टाटा नेक्सन ईवी और टियागो ईवी के साथ जाना चाहूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। और हाँ, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है।